रियली हो? नहीं मैं तो बिल्कुल मारूंगा, 20 मास मारा था ना, तो ठीक है मेरा भी मौका लगेगा तो भी सौ सोनार के एक लोहार कहूंगा। दिल का मेट लियो रमन, हमारा मौका ये तो बची हो ना। लिखो बोलो, लिखो पिताजी मैं आपको शुभ प्रणाम करता हूँ। पिताजी मैं आपको शुभ प्रणाम करता हूँ। मैं ये बात अपनी जुबानी नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरी चोक ले रही है। आखिर सामने काहे नहीं कहा जो कह रहा हूँ वो लिख। मैं ये बात अपनी जुबानी इसलिए नहीं, बात मैं अपनी जुबान से इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे शर्म लगती है, क्योंकि मुझे शर्म लगती है। आपकी बेटी काजल, आपकी बेटी कागज, कागज नहीं काजल, लबारा मिटा देना, काजल एक लड़के से प्यार करती है, एक लड़के से प्यार करती है। मैं उसका नाम तो नहीं जानता हूँ, मैं उसका नाम तो नहीं जानता हूँ। आपका बेटा मंगल सिंह, आपका बेटा मगर ओ मंगल सिंह, जाओ जाओ। ये भी लिख रहा है क्या? ये भी लिख रहा है क्या? पास जाना पड़ेगा, पास जाना पड़ेगा तेरी तो। तुम क्या कह रहा हो? अपने कहें जत्ता जत्ता कहीं वत्ते वत्ते लिखा वत्ते लिखे चले जा रहे ना। तू मेरा छोटा भाई है और फिर भी तू, तेरी समझ बात नहीं आती है, इसीलिए तुझे पढ़ा है लिखाया। ये क्या रबड़ है क्या? मिटार दीने जत्ता गलत रहा है। ठीक है ये जाकर मेरे पिताजी को दे आओ। ठीक है भाई जा रहे ना, जा पढ़ो। अगर काजल मेरी हो जाती तो ये जीवन न जाने। अगर काजल आपकी हो जाती तो मैं अभी अभी हरे हरे मांस कटा करके लाता। किस लिए? मारो छाओ खातिर। औ कागज देखती बना उबे का? नहीं पूछ लेना भी जरूरी है। ऐसी बात कह देता है काजल, अगर आज नहीं तो कल तुम्हें अपना केस छोड़ूंगा, इसलिए कि उस सम्मान का बदला तो जरूर ही चुकाऊंगा। इस दिल में तुम बस गई हो, इस उम्र का ना जाने क्या हो तेरे प्यार के बगैर। उम्र कैद होगी क्या है फैसला अदालत का, खत दे। अरे सैया जाड़ा मा, अरे सैया जाड़ा मा, गवाना करई थी रजाई लेखा काम आई थी। सैया जाड़ा मा, गवाना करई थी रजाई लेखा काम आई। तुम्हारे नाम क्या तखत हुआ है?
वह है देगरा झांटिया, वह है हाँ डाकिया डाकिया। कहां से आया है खत? ये नहीं पता। लेखन में क्या लिखा हुआ है? पिताजी आपको सादर प्रणाम। मैं आपको बात जवानी नहीं बता सकता हूँ, मुझे बताने में शर्म लगती है कि नहीं। अब थोड़ा सियाही ज्यादा चिलक मारे से ना, सियाही ज्यादा चिरपिन चिलक मारे तो समझ में आ रहा है। मतलब जो है कि आपकी बेटी काजल किसी अजनबी लड़के से प्यार करती है और मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। मतलब तुम्हारा बेटिया कहाँ उनते सेट है यहाँ, मतलब एक के हिसाब से। अब हम देखो तुम खुदे पढ़ लियो, हम का मारे तो का पयो बेटे और घुमा लियो और घुमा लियो। मेरी लिखने वाला मगर मंगल सिंह तुम्हारा लौंडा लिखी से हो बताए बहन या भाई सिंह? आज तक तो कोई खत नहीं लिखा। नहीं बहन, आज अचानक ऐसा क्या हुआ? बहन या कहो देख ली सोई पर लपटिया तो बाय बात है का कहो गांव कोनो बात थोड़ी है। आ जसो लियो की ओ घुमा लियो फिर ओ का कहो वहां की मान लियो। अब जब ये सारे मान लियो लगाए आज खुला पकड़ी जा का तब जानो। अब मेरी लड़की जैसी उड़ा रहा है और घुमा लियो। हमार बेटी नहीं बेटा। अरे कतनो बिटे बक तुम लौंडा बनाई हो। अरे का सब चीज थोड़े चेंज कर दे। हां साले, हां मुझे ये बता रहा हर बात हम का मेरी हंसी उड़ा रहा साले। और काजल काजल तेरी आँखों का यो काजल मैंने करे सकोरी। आज तुम्हारा निकल रहा है रिजल्ट, अव्वल नंबर पाए हो। आओ मैंने कोई फार्म नहीं भराया। बापू गुस्से में क्या बात है? पता नहीं काहे दाज गुआ दाज गुसान है काहे बात गुस्से? पता नहीं काहे घूम गए होए। अबे नहाया नहुए नहीं हो। अबे भर सरदार जी भवन की पूजा करी है और तुम मारे सते के संड भंडा कर दियो। अरे पागल मैं घूमने गई थी कहीं और गई थी क्या? क्या बात है बापू? क्या बात है तुझे कुछ नहीं मालूम है क्या बात है? अरे बापू मुझे क्या मालूम है? किया क्या है मैं बता रहा हूँ। अरे बापू ओए क्या मतलब हम का जानी अभी से पूछो हम का मारे कि देवत पूछो बात आया पूछ हम का मारे हमारा पूरे मारो। बाप क्या मैं जो किया है और क्या प्यार किससे बताना करे पूरी चमड़ी है ना ये फुरस फुरस करके काली कर दूंगा समझ ले। पता कर लो नवाए बापू इसी ने तुम्हें भड़काया होगा। ये भड़काया है वो खतुन मिला भड़काया है तो बताओ कैसे कैसे कहता है ठीक कहता है ना नहीं पता भी जाओ बोल और बापू ए मालिक मारो मारो ना बेटियों के ऊपर बांस सुना चलाओ हम बात मानो इसलिए बेटो यहाँ बताओ कर लौंडा ठीक था तो बिहार कर दीजिए सब सुनो तुम बताओ तो हम जाने तो को आए बापू सुनिए सुनिए बापू। और हीरा से है प्यार मैंने किया है
अरे हम तो पूछो बिटिया बता दीस अब मर तू मिटिया मुंह बोदोरे हते तक फांसी लगा मर जाता अरे लेकिन लेकिन अरे पर जाए इसी आओ तुमका हरनती आ मैं आई आई झबरियो कल उठो रंडो छिनरियो हरनती आ मैं अरे बारा दरिम जातू अत्ते हमारी बिरादरी हम जा तू हम बच्चे काम मर गए रहा ऐसी वैसी मछली आ गई रहा आए हाँ तू घर का है यही तो ते बरसीन घात चल रही है जब उनका तू हम घर के यान ये वही लड़का है भैया घर के लड़का खोई चाट है समझाने के करी जाए वही लड़का थोबे करी अगर इका छोटे मम थामे हो थी अंत्य तो रही जाता क्या वो तो अले अब बापू मैंने हीरा से प्यार किया है हीरा से प्यार किया वो बहुत अच्छा लड़का है काट डालूंगा उसे साले को अरे बापू और जिन्हें आता प्यार रखा हीरा को भूल जा वरना समझ ले रहा दियो सरदार जी आप बिटेवक न मारो क्यों अब कहा मरी हो अब तो पिल रहे हो दूध गड़ावा चाटिन ली बाबू अगर मेरा ब्याह करना चाहते हैं तो हीरा से कर दीजिए काय दिन भाई ये याओ काय दिन भाई काय दिन भाई काय महीना त्वार प्यार चल रहा बताओ अब एक चार पांच दिन भाई चार पांच दिन भाई बाबू अगर शादी होगी तो हीरा से होगी वरना मैं बाबू मचा रहा भाग गए हम पकड़ के लाएंगे अब हमका छोटे में कबूले पकड़े कहीं नहीं अब जब हाँ बिटिया कहीं हाँ हम अगर दम मरा के ना कहूँ टस मस न हो पाती हमको तो हम तो उल्टा बोलते हैं ना अरे घुमा लियो और दूंगा खाली चमन हम बर्बाद करते हो अरे मैं बर्बाद किया आ, चमन घूमा जाए मुहे मुकान बिटेवा घुमाए फिरे जा रही एका उल्टा से तो घुमाओ ना इतना देखी मेरी बा जही बिटेवा हमार बिटिया लखनऊ जात है एमए बीए कर रही है ऐसे लगा बांध लिया दुपट्टा ना को जाने पाई बिटेवा गांव के रिया कहां के रिया है बात समझो वही अखिल तेरे तुम्हारी आवा हम कर मारो वो बर्बाद की ना है भाई जाको हम का जाको कहो ए फूल चंद मरवावे पर लागो का यार काहे तुम यार को मरवा तुम खुदे मरवा के जाखो कोहो तो मना मरवा तुम मरवा के जाखो यही ना मरवाए रहो हां अरे सरदार जी नीचे के हम लागो हां इन्हें खराब की है बिटिया यहाँ और का यहाँ खराब की है अरे काला जो गवा माँ में है यहाँ मर्द सहजा बाटे काला जो गवा माँ में है यहाँ
चुप तो है झगड़ा छाने जैसे लड़ाई बिलारी। अरे सासु पतो है झगड़ा छाने जैसे लड़ाई बिलारी। जब तक हम का बाट न दे हो अरे तब तक झगड़ा न्यारी। रोज चढ़ी रहे बीमारी। माथे में टिकुली भारी। काजल मिर्ची तेल लगाए माथे में टिकुली भारी। लड़के सीसा मुँह मटकावे कहे बड़ी हम सुगरी। नारी कैसी है छिनारी हम। काजल को निकाल देते हैं और देखिए वही पुष्पा बेचारी बियाबान जंगल में दरबदर की ठोकरे खाती है और वही लड़की काजल मिलती है। तब देखिए दोनों में क्या वार्तालाप होती क्या नहीं। सामने देखिए पुष्पा वर्ती हीरा ने इस जंगल का पता बताया था। कोई बात नहीं, मैं चल के देखूं हीरा कहाँ है। और माता जी तुम कौन हो बेटा। आज 5 दिन हो गए नौकरी की तलाश में गया है और न जाने कहां पे है। माजी, मैं भी हीरा की तलाश में आई थी लेकिन वो नौकरी की तलाश में कहां गए होंगे ये तो मुझे भी नहीं मालूम बेटी। माजी, मुझे मिलना बहुत जरूरी है, हीरा से बातें करनी है। लेकिन माजी तुम चिंता न करो, कोई बात नहीं, तुम चल के अपनी कुटिया में आराम करो। मैं जाके हीरा का पता लगाती हूँ और जिसे पता लगता है मैं हीरा को बुला के आपके पास लेकर आती हूँ। जा बेटी। मैं और दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते
भान सिंह की है कहानी पे गौर करें। सभी ग्रामवासी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि ठंड को देखते हुए सरकार ने साफ साफ स्पष्ट कर दिया है कि ठंड के सीजन में कोई भी महिला अपने मायके नहीं जाएगी। अगर कोई महिला अपने पति को छोड़ करके ठंड के सीजन में अगर मायके जाएगी, अगर उसके पति को ठंडी लग जाएगी तो उसको जिम्मेदार महिला को ठहराया जाएगा। बतावे को कहा हो या भाषण तुमते को दिए कहा। और जो लोग शौच करते हैं, जो लोग सोचने जाते हैं, गर्मी में आप पूरे हाथ से सोच सकते हैं, लेकिन ठंडी में पूरे हाथ से नहीं सोचिएगा, मात्र दो उंगलियों से सोचिए। आप ठंड को देते हुए ठंडी से बचो, पानी से बचो, जिंदा रहोगे तो बार बार नहाओगे। अगर भाषण देने के लिए रखा हो, बैठो मालिक, ये आ गए जिस कोई जानता है साले, जिस बच्ची का मुंडन है, जिस बच्ची का मुंडन है तो बकरी खाती नहीं। अरे पागल, जिस बच्ची का मुंडन है उस बच्ची की तरफ से ये 91 रुपए का पुरस्कार हाथों हाथ तत्काल हमारे लिए पलटी कोर से। लाख लाख धन्यवाद। आप लोग कहानी पर गौर करें, वही हीरा काम की तलाश में आता है, हवेली में क्या होता है कहानी पर। ठाकुर साहब है बैठे हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। जल्दी मिलो ना, उनका तलाव लाग है, नहीं चले जाइए। क्या ऐसा नहीं, ये कह रहा था कि मालिक के लेटिन लगी है। बेटा सुने मेरी बात, कि दिल में लेकर के क्या आश, कि दिल में लेकर के क्या आश, कि बेटा आए अरे जो में चरणिया आपका दास, अरे जो में चरणिया आपका दास, अरे मुझ पे दया हो ठाकुर, दास को लीजिए, और आया दास लगा कर आस, और मुझ पे दया हो राजन, नौकरी की तलाश में आए हो ना। सुने मेरी बात, और पढ़े लिखे हो या अनपढ़ी हो, पढ़े लिखे बता
मुझे गम की सारी कथा तुम सुनाओ मुझे ताकि मैं चल कर नौ करीब कीजिए। बेटा तुम्हारा नाम हीरा है और तुम्हारी माँ का क्या नाम है? ठाकुर साहब वैसे मेरी माँ का नाम पुष्पावती है। और तुम्हारे पिता का क्या नाम है? वैसे ठाकुर साहब हमारे पिता का नाम मालूम नहीं था लेकिन अभी एक हफ्ता हुए हमारे पिता का नाम मालूम हुआ है। हमारे पिता का नाम है रंगम। लेकिन बेटा रंगम रंगम तो कई रंगम लगता है, कोई सुना सुना नाम लग रहा है। हमको भी लगता है लेकिन यार जब तक इसके गांव का एड्रेस नहीं मालूम तब तक क्या एड्रेस एड्रेस कैसे हो सकता है इसको? एड्रेस नहीं साले एड्रेस। ये बताइए तुम किस गांव के रहने वाले हो? मैं नगर के रहने वाला हूँ। नैनो में महबूब के नैना करता रहने वाला है लड़का इतना अच्छा है। मिल जाएगा ना? अरे बिल्कुल बेटा बिल्कुल बिल्कुल अरे वाह ऐसे ही मुझे लड़के की तलाश थी। तो फिर किस बात की तेरी पढ़े लिखे काबिल हो? काबिल नहीं पागल पढ़े लिखे काबिल हो। ये बताइए बेटा, बेटा तुम कहाँ तक पढ़े हो? वैसे मैं मेरा बीए कंप्लीट हो चुका है। लौंडा बीए कंप्लीट लौंडा बीए कंप्लीट जमींदार साहब लड़का पढ़े लिखे है। हाँ थोड़ा सा तो पूछ ले। पूछ लो भाई। भैया लिटिल अंग्रेजी शब्द है, मुसरिया हिंदी शब्द है और धावत भैया संस्कृत शब्द है। लिटिल माने छोटी, धावत माने दौड़ती है। भैया छोटी मुसरिया दौड़ती है, बाबा जी नहीं आ गया।